Hello students, welcome to Vidyashram YouTube channel. Now let's start today's English grammar class on the topic naming words. आज हम naming words के बारे में पढ़ेंगे. Naming words पढ़ने से पहले हम ये चीज समझ लेते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, उन सब का कुछ ना कुछ नाम होता है. Everything we are surrounded with has a name. हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है. जैसे this is a chalk, this is a class. हर चीज, हर जगह, हर पर्सन का कुछ ना कुछ नेम होता है. एनिमल, बर्ड्स, अपने आसपास जितनी चीजें देखते हैं उन सबका कुछ ना कुछ नाम होता है. आप उनको कुछ ना कुछ बोल के बुलाते हैं. जैसे दिस इज अ चौक, आपने इसे क्या बोला, चौक बोला. तो हर चीज का क्या होता है, नेम होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स. नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, नेम्स होते हैं. किसके, ऑफ पर्सन, किसी इंसान के, प्लेस किसी जगह के, एनिमल्स, एनिमल्स और बर्ड्स के, एंड थिंग्स और थिंग्स के. थिंग्स मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जो अपने आप चल कर नहीं सकती, वो थिंग्स होती है. अब नेमिंग वर्ड्स को हम फोर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड बर्ड्स और थिंग्स. नेमिंग वर्ड्स को हम और क्या बोल सकते हैं, नाउन. नेमिंग वर्ड्स एंड नाउन आर सेम थिंग. ये दोनों एक ही बात होती है. Noun is a name of a person, place, animal or thing. So let's understand here. हम पहले persons के बारे में देखते हैं. Person कौन, जैसे आपके mother, boy, teacher, doctor, ये सब क्या है, person है. अब person में किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे राम. तो राम क्या है, हमें समझ में आ रहा है क्या है, वो एक boy है, एक person है. तो राम person की category में आएगा. ओके, प्लेस, प्लेस मतलब जगह. जगह के बारे में हम जैसे स्कूल, होम, घर, क्लास, मार्केट, गार्डन एक्सेट्रा, ये क्या होती है, प्लेसेस होती है. एनिमल्स एंड बर्ड्स, जैसे लॉयड, आउल, डॉग, ईगल, पीकॉक, पैरट, काउ, बैट एक्सेट्रा, ये सब क्या है, एनिमल्स और बर्ड्स. फिर आते हैं थिंग्स. थिंग्स में नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, जैसे बैट, टेबल, पेन, बॉल, पेंसिल, चॉक, इरेजर एक्सेट्रा. ये सारी चीजें हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड कर ली. हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है, वो होते हैं नेमिंग वर्ड. और नेमिंग वर्ड्स को हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स, बर्ड्स एंड थिंग्स. तो इन फोर पार्ट्स में हमने इन्हें पढ़ा कि कौन सी चीज कहाँ आएगी. ओके,